गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट नोटिस राइटिंग सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नोटिस राइटिंग प्रॉपर मैनर में कैसे लिखते हैं तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक तो देखिएगा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकिन बुझा लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा तो चलिए बिना समय गंवाए बिना आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोटिस राइटिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में क्लास बोर्ड में तो आता ही आता है और क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में आता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सो so, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाली हूँ तो यहाँ आपके कन्वीनियंस के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाऊंगी सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो सो यहाँ हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन इज यू आर अनुराग अनुष्का

एज प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेसी क्लब ऑफ योर स्कूल यू हैव ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन आपके स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन होगा ठीक है किस लिए होगा क्योंकि आपके स्कूल में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है इसलिए ठीक है आपको एक नोटिस लिखना है राइट ए नोटिस इन अबाउट फिफ्टी वर्ड फिफ्टी वर्ड्स में लिखना है हमें नोटिस इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को कि आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन होगा डिबेट का ठीक है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कितने वर्ड्स में लिखना है फिफ्टी वर्ड्स में ये बात अपने माइंड में हमेशा रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पचास शब्दों से ज्यादा अगर डेढ़ सौ शब्द वो मतलब पेज भर देंगे तो टीचर इंप्रेस होंगे उन्हें बोनस मार्क्स दे देंगे जो कि बिल्कुल गलत लगता है आपको ऐसा कुछ नहीं होता है वर्ड्स लिमिट होता है नोटिस राइटिंग में केवल आपको फिफ्टी वर्ड्स लिखना होता है सो यू हैव टू राइट ओनली फिफ्टी वर्ड्स ठीक है तो यहाँ पे आपको कहानियां नहीं लिखनी है टू द पॉइंट लिखना है ठीक है so, सो यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है सबसे पहले हम लिखेंगे लिटरेसी क्लब ठीक है यहाँ हम क्या है एस प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेसी क्लब हम कहा के प्रेसिडेंट है लिटरेसी क्लब के तो यहाँ हम लिखेंगे लिटरेसी क्लब लिख दिया उसके बाद अपने स्कूल का हमको नाम लिखना है तो मैं जहां की टीचर हूँ वहां का मैं नाम लिखूंगी सेंट जेवियर्स हाई स्कूल ठीक है जो कि पटना में सिचुएटेड है उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक लाइन लीव कर देंगे राइट एक लाइन लीव कर देना है आप जो भी स्कूल में हो आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में आपके स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है केवल लिखा हुआ है ऑफ योर स्कूल अगर इसमें लिखा होता क्वेश्चन में कि आप प्रेसिडेंट हो सेंट मैरी स्कूल के सेंट जेवियर स्कूल के तो आप वहां पर लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे आपका अपना स्कूल के बारे में दिया हुआ है तो आप जो भी स्कूल में हो वहां पे आप ये डाल सकते हो ठीक है उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक लाइन लीव कर देना है आफ्टर लीविंग और रनिंग यू हैव टू मैंशन दी डेट हेयर जिस तारीख को आप ये नोटिस मेंशन कर रहे हो लिख रहे हो ठीक है सच आपका प्री बोर्ड चल रहा है तो प्री बोर्ड जिस तारीख को आप दे रहे हो उस तारीख का आप डेट मेंशन करोगे राइट right? और डेट के बारे में मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ इस तरीके से डेट मत लिखना स्टूडेंट्स ठीक है फिफ्थ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी इस तरीके से डेट अगर लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा यू हैव टू मैंशन द डेट इन अ प्रॉपर मैनर तो आप इस तरीके से पूरा कंप्लीटली डेट लिखोगे जैसे कि आपका एग्जाम बेसिकली बोर्ड मार्च में होता है और फिफ्थ तारीख को पांच तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन तो आप ऐसे लिखोगे फिफ्थ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन या जो भी ईयर है ठीक है उसके बाद फिर डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक लाइन लीव करना होता है आफ्टर लीविंग अ लाइन आपको बड़े से लिखना होता है नोटिस ब्लॉक लेटर में होना चाहिए और बिल्कुल हाईलाइटेड दिखना चाहिए कि हाँ या ये नोटिस है ठीक है नोटिस लिख दिया उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक लाइन लीव करना है यू हैव टू लीव अ लाइन है ठीक है आफ्टर लीविंग अ लाइन उसके बाद आपको लिखना है यहां से नोटिस जो आपका मेन मुद्दा है जो आपके क्वेश्चन में है ठीक है क्या होगा हमारा नोटिस द लिटरेसी क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन एज पर डिटेल्स गिवन बेलो इसी तरीके से लिखते हैं आपके स्कूल में भी नोटिस आता होगा तो बिल्कुल इसी तरीके से आता होगा याद कीजिए उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक लाइन लीव कर देना है एक लाइन छोड़ने के बाद एक लाइन लीव करने के बाद आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना है जिस तारीख को ये आपका स्कूल में डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है तो डेट मेंशन हम कर देंगे डेट जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से लिखेंगे ऐसे नहीं लिखेंगे नाइनटीन ट्वेल्व ट्वेंटी ये नहीं लिखना है प्रॉपर तरीके से लिखना है टाइम लिखना है हमको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जिस तारीख को जिस टाइम पे आपके स्कूल में कंपटीशन होने वाला है तो टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन आप अपने माइंड से कोई भी एक आपका जो भी फेवरेट टाइम है आप यहाँ पे, पे मेंशन कर सकते हो तो बेसिकली ये सारा जो ऑर्गेनाइज होता है कंपटीशन वो मॉर्निंग में ही होता है तो मैंने सुबह का साढ़े बजे लिखा है कि सुबह साढ़े बजे से ये स्टार्ट होगा वेन्यू तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है तो एम ऑडिटोरियम जो कि हमारे स्कूल में है वहां ऑर्गेनाइज होगा ठीक है तो उसके बाद फिर हम टॉपिक क्या रहेगा वो मेंशन कर देते हैं टॉपिक ये रहेगा न्यूक्लियर एमामेंट इन इन न्यूक्लियर एमेंट इज इंडिया बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म टॉपिक हमारा ये रहेगा ठीक है उसके बाद फिर लास्ट डेट फॉर नेम रिसिप्ट मतलब हम अपना नाम कब तक दे सकते हैं वो लिखना पड़ेगा ना तो वो हम लिखेंगे टेंथ दिसंबर अप टू यानी कि आज पांच दिसंबर है आप अपना नाम दस दिसंबर तक दे सकते हो राइट right? उसके बाद कब तक टाइमिंग यहां होगा कि कितने बजे तक तो साढ़े चार बजे शाम तक दस दिसंबर को आप अपना नाम दे सकते हो दस दिसंबर तक उससे पहले दे देते तो, तो बढ़िया बात है नहीं दे सकते तो दस दिसंबर को शाम के साढ़े चार बजे तक आप एक्टिविटीज रूम में अपना नाम दे सकते हो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक लाइन लीव कर देना है अपना जो नाम है यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे अगर बॉय है तो अनुराग दिया हुआ है गर्ल है तो अनुष्का दिया हुआ है तो वही अपना नाम यहाँ पे मैंशन कर देते हैं अनुष्का और हम यहाँ पे बने क्या है तो प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के लिटरेसी क्लब के तो यहाँ लिख देंगे प्रेसिडेंट ठीक है तो ये प्रॉपर तरीका है कि नोटिस किस तरीके से लिखते हैं और अगर आप इसी तरीके से लिखोगे नोटिस तो आपको बोर्ड्स में अगर ये एट मार्क्स का आता है तो आपको एट बाई एट आने से कोई नहीं रोक सकता है फुल मार्क्स मिलेंगी बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा बस इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करिएगा और एक प्रॉपर डिसिप्लिन वर्ड्स यूज करिएगा तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातरम नमस्कार